मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु संवाद में। दोस्तों, शिक्षक या गुरु उस कुम्हार के समान होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते समय उसे एक हाथ से संभालते हैं तो दूसरे हाथ से आकार देते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी अनुशासन के साथ हमें आकार देते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। गुरु के बिना बेहतर समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और यही कारण है जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गुरु संवाद, जहां आप शिक्षा संबंधित जानकारियों को अधिक जान सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIT तपस्या के डायरेक्टर पंकज कपाड़िया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय भारत में। तो सर, पहले तो आप खुद ही IITian हैं, सर ने खुद दिल्ली IIT से IIT की है, तो सबसे पहले हम IIT के बारे में ही जानें। और वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर, मतलब सबसे ज़्यादा तो IIT के नाम से मुझे ही डर लगता है, तो सोचिए कि जो बच्चे हैं जो IIT की तैयारी करते हैं वो कितना ज़्यादा डरते होंगे। तो पहले हम IIT पे प्रकाश डालते हैं और सर से अधिक जानते हैं IIT के बारे में और कैसे बच्चे प्रिपरेशन करें। सबसे पहली बात तो ये है कि IIT से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। IIT या मेडिकल या कोई भी परीक्षा अपनी जगह पर होती रहती है, यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो उसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं आती है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है और वहाँ जाके आप इंजीनियरिंग के अलावा बेसिकली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डेवलप होता है जी। कि उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपको ये महसूस होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जी। इट फील लाइक कि जो आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें जी, उस फील्ड में जाकर बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे जी। तो ये कॉन्फिडेंस आपको IIT देता है। और डरने की जहां तक बात है तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद आता है, डर से मत डरो, डर से आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। जी, डर के आगे जीत है। और सर, पहले तो IIT दिल्ली से हैं, तो सब आज हमारे जो भी दर्शक हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं टेंथ ट्वेल्थ के जो भी हैं, तो उनको बहुत हेल्प होगा इनसे, क्योंकि सर IITian हैं। तो सर से थोड़ी बहुत पहले हम सर के बारे में जानेंगे। सर, कैसे IIT आपने चूज किया और कैसे मतलब आपने शुरुआत की इसकी? मेरा एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा है जी। मैं रोहतास जिले के नासरीगंज गांव का रहने वाला हूँ जी। और वहाँ से जब बचपन में पढ़ाई शुरू की थी तो बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। टेंथ पास करने के बाद मुझे लगा कि साइंस लेना चाहिए। साइंस लेने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि साइंस में मैथ्स स्ट्रीम बेहतर होती है, बायोलॉजी जो होती है वो वीक होती है, मेरी वीक थी रैदर। तो मैथ्स लिया, मैथ्स लेने के बाद पता चला कि इंजीनियरिंग करना है। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और IIT क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब 12th क्लास में मैं था तो मेरे सर ने एक कंपटीशन बैच बनाया था, उसके बेसिस पे IIT की तैयारी के बारे में मुझे पता चला जी। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इंडिया में बेस्ट है जी, इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए देखा जाए तो इंडिया में ये बेस्ट है, वो बेस्ट वर्ड मुझे हिट किया और तभी मैंने सोचा कि JEE की तैयारी करनी है। और फॉर्चुनेटली मैं JEE की तैयारी करते वक्त भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर बीच में मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हो गया जी। और वहाँ से फिर मैंने IIT दिल्ली में सिलेक्शन मेरा हुआ और उसके बेसिस पे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कम्प्लीट की। सर, तो आपने सुपर 30 की बात कही है, सुपर 30 सर सफलता के पीछे क्या राज है उसके आखिर? देखिए, सुपर 30 की सफलता के पीछे, जब हमारे टाइम की सुपर 30 जो हुआ करती थी उस टाइम पे अभियानंद सर आनंद सर दोनों साथ चलाते थे उसे जी। और आखिरी 6 महीने के हमारा कोर्स होता था। बेसिकली अगर अगले साल अप्रैल में परीक्षा देनी है तो इस साल जहां तक मुझे याद है कि 1 नवंबर को हम लोग वहां पहुंचे थे जी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम हुआ करता था जी। और 30 अच्छे बच्चे एक साथ रहते थे जी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ कोई क्लासेस वगैरह रेगुलर बेसिस पे चलती थी या कोई बहुत पढ़ाई वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहाँ टेस्ट्स रेगुलर होते थे जी। और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि वहां पर कोलाबोरेटिव कंपटीशन था, या कह लीजिए कंपटीटिव कोलाबोरेशन था। 30 अच्छे बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, किसी ने फिजिक्स में एक दूसरे की मदद की, किसी ने केमिस्ट्री में मदद की, किसी ने बायोलॉजी मैथमेटिक्स में मदद की, और उस बेसिस पे वो कार्यक्रम चलता था। बीच बीच में जब अभियानंद सर आते थे तो मोटिवेट ज्यादा करते थे, फिजिक्स तो डिस्कस करते ही थे जी। बट उनका जो फोकस होता था कि आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और आपके अंदर कितना मोटिवेशन है जी, ही मेड यू थिंक। तो वो बेसिकली मुझे लगता है कि वैसा प्लेटफॉर्म अगर कहीं पे भी दिया जाए किसी बच्चों को, 30 अच्छे बच्चों को या 15 अच्छे बच्चों को, तो एक दूसरे को पुश करके वो आगे बढ़ जाते हैं जी। मतलब अगर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मोटिवेशन के साथ पढ़ाई हो, तो बच्चे पीछे नहीं रह सकते हैं, ये बात जो है आप दिमाग में रखें। सर, वैसे JEE NEET की परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा में कैसे भिन्न होता है? क्या बोर्ड के साथ JEE NEET की तैयारी की जा सकती है? देखिए, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और खास करके ये बिहार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है जी, कि बोर्ड एक अलग चीज है और IIT और मेडिकल एक अलग चीज है। वास्तविकता ये है कि ऐसा है नहीं।
मैं इसके तीन एग्जांपल्स आपको दूंगा। जी, पहला कि मुझे हिस्ट्री निकाल के देखिए, पिछले 30 सालों में 25 सालों में जी, जो भी आईआईटी में टॉपर रहा है वो वही स्टूडेंट रहा है जिसने उसी साल 12th दिया है और उसी साल उसने आईआईटी क्वालिफाई किया। टॉपर मान लीजिए एक्सेप्शन हो सकता है, आप अगर टॉप 200 का डेटा निकालिएगा तो टॉप 200 में भी मुझे लगता है कि 90% बच्चे वही हैं जिन्होंने जिस साल प्लस टू किया है उसी साल आईआईटी की परीक्षा पास की है। तो अगर प्लस टू और आईआईटी अलग अलग होता जी, तो फिर ऐसा नहीं होता कि प्लस टू के अपियरिंग कैंडिडेट ही आईआईटी में टॉपर होते या टॉप रैंक होल्डर्स होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का सिलेबस सेम है जी, फर्क क्या है वो समझने की जरूरत है जी। प्लस टू की जो परीक्षा होती है वो थ्योरेटिकल ज्यादा होता है और आईआईटी की जो परीक्षा होती है वो उसी थ्योरी का एप्लीकेशन होता है, बट जब तक आपको वो थ्योरी नहीं पता होगी आप अप्लाई कैसे करेंगे जी। तो ये एक अंतर समझने की जरूरत है कि वो थ्योरेटिकल पेपर ज्यादा है और उसका एप्लीकेशन है, बट बिना थ्योरी का आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आखिरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि प्लस टू एक अलग चीज है और आईआईटी एक अलग चीज है, मेडिकल एक अलग चीज है, तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि ये जो अंतर क्रिएट किया गया है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए तो प्लस टू में आपसे पूछ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ जी, और आईआईटी में आपसे पूछ सकता है कि 5 kg के ब्लॉक को अगर 10 N फोर्स से हम लोग खींचते हैं तो क्या एक्सेलरेशन होता है जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्लस टू और आईआईटी में कोई असमानता नहीं है। और अगर मैं आपसे एक और आखिरी प्रश्न पूछूं, सुनी सुनी बात मत बताइएगा जी, कोई एक बच्चे को भी आप जानती हो जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है और बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड से उसका 75 या 80% नंबर नहीं आया, ऐसा कोई एक बच्चा जिसको आप व्यक्तिगत तौर पर जानती हो? जी नहीं। ये साफ इंडिकेट करता है कि बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ ही बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, और वैसे भी आईआईटी में दो ही अटेम्प्ट है जी। तो अगर आप जिस साल 12th देते हैं उससे अलग परीक्षा दे सकते हैं और उससे अगले साल दे सकते हैं जी। तो अगर आप प्लान करते हैं कि हम पहले प्लस टू करेंगे और फिर उसके बाद जेई की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्लान करते हैं कि आप फेल कर रहे हैं, वो एक मौका जो आपको दिया गया आप लूज कर रहे हैं जी। प्लस टू और आईआईटी की तैयारी और मेडिकल की तैयारी एक साथ ही होनी चाहिए जी। जैसा कि सर ने बोला कि एक साथ तैयारी होनी चाहिए, लेकिन सर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 10th कर आते हैं काफी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करे क्या ना करे, किस सब्जेक्ट को चूज करे, और सर जो अभी अपेयरिंग बच्चे हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है तो सर कैसे आखिर वो करियर को चूज करे वो? देखिए मेरा जो इसमें विशेष मत है वो ये है कि करियर का चुनाव इंटरेस्ट के माध्यम से होना चाहिए जी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास इंटरव्यू के लिए भी आते हैं, जब हम लोग 10th के बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, उन्होंने लिख दिया है कि इंजीनियर बनना चाहते हैं और उन लिख दिया कि डॉक्टर बनना चाहते हैं जी। लेकिन जब मैंने पूछा कि इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो तो उनका क्वेश्चन आता है, उनका आंसर आता है कि पापा की इच्छा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मम्मी की इच्छा है, या मम्मी का सपना था, या मेरा सपना बचपन से ही सपना था। मेरा कहना यह है कि बचपन से सपना कोई कैसे देख सकता है जी। जिसको इंजीनियरिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिसको मेडिकल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिसको लॉ के बारे में, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जी, आपको अगर मैं कहूं कि मास कम्युनिकेशन का आइडिया नहीं है, जर्नलिज्म का आइडिया नहीं है जी, तो उस बेसिस पे अगर कोई कहे कि हमको बचपन से ही सपना था कि जर्नलिस्ट बनना है जी, तो सपना होना एक अलग बात है। ठीक है, मैं सपोजेडली अर्णब गोस्वामी को देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है वो जी, बट क्या मेरा खुद का इंटरेस्ट उसमें है? अब सपोजेडली अगर मैं बात करूं, सचिन तेंदुलकर के पिताजी सचिन देव बर्मन के फैन थे एंड ही वांटेड हिज सन टू बी अ म्यूजिशियन जी। तो अगर सचिन ने कहा होता कि मुझे भी म्यूजिशियन बनना है बिकॉज मेरे पिताजी का ड्रीम है, तो हमें ऐसा क्रिकेटर नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि करियर का चुनाव जो है वो इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए। इंटरेस्ट जैसे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इंजीनियरिंग का चुनाव कर सकते हैं जी। यदि आपको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में इंटरेस्ट होने के साथ साथ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको ब्लड वगैरह देख के कुछ दिमाग पे असर होता है जी, उन लोगों के लिए मेडिकल स्ट्रीम नहीं है। तो अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और उन सब बातों से आपके दिमाग पे ज्यादा असर ना पड़ता हो तो मुझे लगता है आप डॉक्टर बन सकते हैं जी। उसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे आप लॉ कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप आर्ट्स लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप कॉमर्स लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, कुछ लोग यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और इंसान को हमेशा अपना इंटरेस्ट परसू करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप काम करने पे आएंगे
तो वहां पर आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। जी एग्जैक्टली मतलब काम में आपको मजा आना चाहिए, जैसे हम अपने काम को एंजॉय करते हुए करते हैं। जो सर ने बताया कि अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे काम को और तो अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो काम करना मुझे भी लगता है कि बेकार है। सो अपने इंटरेस्ट का काम चुने और सर क्योंकि खुद ही IITian है, तो सर कभी ऐसा लगा कि आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको IIT के दौरान, कभी कुछ कुछ ऐसी वाकया जो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को शेयर करना? देखिए IIT की तैयारी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी जरूर, क्योंकि मेरे पास जानकारी का अभाव था, और जानकारी का अभाव इसलिए था क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था उसमें बहुत लोग साइंस से पढ़े हुए कोई ऐसा नहीं था जी। तो कोई बताने वाला नहीं था जी। बट जैसे जैसे मैंने कहा कि टीचर्स अगर अच्छे मिलते जाएं तो आपका रास्ता आसान होता जाता है। जैसे मैं स्पष्ट बात कहूंगा, गुरु की जरूरत होती है, एक स्पष्ट बात कहूंगा कि अर्जुन के अर्जुन होने में सबसे बड़ा रोल खुद अर्जुन का ही था, क्योंकि बच्चों को पढ़ना खुद ही होता है। लेकिन द्रोणाचार्य का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि द्रोणाचार्य यदि उस लायक नहीं होते तो उसको अर्जुन को अर्जुन नहीं बना पाते जी। तो अगर आपको टीचर्स थोड़े अच्छे मिल जाएं और एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद मेहनत करने के लिए, और एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरा कहना होता है कि मोटिवेशन आपके पास किसी भी चीज का हो ना जी, वो कितना बड़ा मोटिवेशन है ये बहुत मैटर करता है जी। और उस मोटिवेशन के सहारे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते जी। तो लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ जो है IITian गुरु बैठे हुए हैं आपके साथ, क्योंकि ये आपके जो भी तमाम जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो सर वैसे आपने मतलब पटना में पढ़ाई की, कोटा में भी आपने मैंने सुना है कि शायद पढ़ाई की है, दिल्ली में भी आप जाके मतलब आपने पढ़ाई की, तो दिल्ली में आपने IIT की, तो आपको क्या सर डिफरेंट क्या लगा मतलब तीनों चीज़ों में, तीनों जगहों में? देखिए मैं पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने कोटा में पढ़ाई नहीं की है जी। कोटा में नहीं की है? कोटा में गया था जी, 12th करने के बाद जी, पापा ने भेजने की कोशिश की थी कि एक बार जाके देख लो जी, और वहां पे मुझे चीजें थोड़ी अजीब सी लगी थी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फील कर रहा था मैं जी। तो मैंने कहा कि नहीं पापा मैं इधर ही रह के पढ़ लूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली IIT से पढ़ा मैं और दिल्ली में भी पढ़ाया है जी। दो अंतर मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट कोटा के बारे में तो ज्यादा नहीं बता सकता, वहां पे मैंने सुना है कि थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन बच्चों का टीचर के साथ नहीं हो पाता है। दिल्ली में और बिहार में जो बेसिक अंतर मैंने देखा था जी, वो बेसिक अंतर ये था कि दिल्ली में बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं जी, चूंकि उनको एक्सपोजर पहले से मिला हुआ होता है तो क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा होती है जी। बिहार में बच्चों के पास थोड़ा जानकारी का अभाव होता है, हालांकि बिहार के बच्चे थोड़े ज्यादा मेहनती होते हैं जी। तो मैंने ये महसूस किया था कि अगर बिहार के बच्चों को वैसी गाइडेंस मिल पाए जैसी गाइडेंस हम लोग दिल्ली में कोटा में देते हैं, या उससे भी बेहतर दे पाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हो जाएगा बिहार के बच्चों के लिए। घर से बाहर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, और उनके अंदर जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स करके भी डेवलप होता था वो डेवलप नहीं होगा जी। दूसरी चीज है कि मेरा विशेष मानना है जी, कि अगर आपको सपोजली यहाँ से आरा जाना है जी, तो यहाँ से आरा जाने का सबसे अच्छा रास्ता आपको कौन बता सकता है जो खुद कभी आरा गया होगा जी। अगर ये कॉन्सेप्ट हम आरा जाने में अप्लाई करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट हम IIT जाने में भी अप्लाई कर सकते हैं जी। IIT जाने का सबसे अच्छा रास्ता आपको वही बता सकता है जो खुद कभी IIT गया होगा जी, बिल्कुल। और ये वजह है कि हमने अपने यहाँ IITian तपस्या में IIT की टीचिंग के लिए जितने भी टीचर हायर किए हैं या खुद पढ़ाते हैं या जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रशांत चौबे सर हैं, आकाश गोयल सर हैं, वो सभी लोग खुद IIT से हैं, उनको पता है कि IIT आते कैसे जी। जी जी सर, तो सर IIT मतलब आपकी खुद की जो कोचिंग मतलब आप तपस्या इंस्टीट्यूट है उसमें आप डायरेक्टर हैं, तो सर क्या मतलब उसमें मेडिकल के लिए भी फेमस है और IIT के लिए भी फेमस है, तो सर आपने कब सोचा कि ऐसी संस्था पटना में बिहार में होनी चाहिए बच्चों के लिए? देखिए मैंने 2006 में IIT में गया था और 2006 के दिसंबर से ही पढ़ाना शुरू किया था पार्ट टाइम जी। सैटरडे संडे को हम लोग मथुरा जाके पढ़ाते थे, दिल्ली से मथुरा 2 घंटे का रास्ता है। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो फर्स्ट ईयर के एंड तक काफी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स था, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे लगे। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एक बच्चा था हमारा जिसका रैंक आया था 22, ऑल इंडिया रैंक 22, वैभव कृष्ण। तब जाके मैंने ये ऑलमोस्ट तय कर लिया था कि मुझे पढ़ाना है जी। अब जब हम खुद तैयारी करते थे और जब हमने दिल्ली और मथुरा के चीजों को देखा, महसूस किया जी, तो मुझे ये लगा कि अगर वो चीजें हमें मिली होती तो हम बहुत ही अच्छा कर सकते थे। और इसी वजह से मुझे लगा कि बिहार के बच्चों में जो एक कमी महसूस होती है कि उनको कोई प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर पाए या एक सही तरीके से रास्ता दिखा पाए जी, वो एटलीस्ट रास्ता भी ना दिखा, कम से कम जानकारी तो दे दे। जैसे मैं खुद बताता हूं अपने बारे में,
हमारे टाइम में भी किसी ने कहा था कि प्लस टू पहले कर लेना चाहिए, आईएससी पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद आईआईटी का तैयारी। जी एक्चुअली में कहा जाता है ये चीज। तो ये चीज जब मुझे पता चली कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीजें अगर बच्चों को कम से कम बताने वाला कोई हो, सही गाइडेंस देने वाला कोई हो, तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसा कि आप खुद भी जानती होंगे कि बिहार पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा पिछड़ा राज्य है। जी। तो अगर यहाँ के लोगों को बेहतर बनाना है, चाहे आप जिस किसी भी कंटेक्स्ट में बात कीजिए, यहाँ पे कास्टिज्म भी ज्यादा है, बहुत कुछ ज्यादा है, उन सब समस्याओं से दूर करने का सबसे बड़ा तरीका जो है मुझे लगता है वो है एजुकेशन। यदि प्रॉपर एजुकेशन मिले तो लोगों के सोचने का नजरिया बदलेगा और तभी समाज बदल पाएगा। तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेंज दिस सिस्टम, कि मैं इस सिस्टम को ही बदलूं और इस सिस्टम में घुस के, अगर सपोजिटली मैंने एक ये भी सवाल किया, मैं 8 साल दिल्ली में था 2006 से लेकर 2014 तक, बिहार आने का निर्णय मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बिहार का हूं और मैं खुद बिहार नहीं आऊंगा तो कौन लोग आएगा, क्योंकि बिहार के ज्यादातर जो अच्छा करने वाले लोग हैं वो बिहार से बाहर चले जा रहे हैं। तो बिहार में समाज में रह कौन रहा है जो यहाँ बच पा रहे थे। तो यहाँ के लोगों में भी बहुत सारा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को ऊपर उठाने का प्रयास मुझे करने की जरूरत महसूस जी। और जी सर आप तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने ये सोचा कि हमारे बिहार में जो है पोटेंशियल को बढ़ाने की और भी जरूरत होनी चाहिए। वैसे सर से हम बातचीत लगातार करते रहेंगे लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कि हम गुरुजी से मतलब बातचीत कर रहे हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं मतलब एजुकेशन में उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर आपसे हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन की जाए आईटी की, मेडिकल की सर कैसे प्रिपरेशन की जाए, अगर बच्चे जो मेडिकल फील्ड से हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें खुद की। जी एक्चुअली जब हम लोगों ने यहाँ पर पटना में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का कंसेप्ट लाया था जी, तो उस वक्त हमारी एक्सपर्टाइज चूंकि आईआईटी में थी तो हम लोग सिर्फ आईआईटी के लिए ही बात करना चाहते थे। बट फर्स्ट ईयर में ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए जो बोले कि सर हमको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो जब हमने उनको पढ़ाया और फिजिक्स केमिस्ट्री की बदौलत उनका बहुत अच्छा रैंक आया, एक बच्चा एम्स पटना में भी पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया आगे चल के, तो मुझे ये लगा कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ा ही रहे हैं तो अगर बायो का हम बहुत अच्छा फैसिलिटी उनको दे पाए तो हम मेडिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल की एग्जामिनेशन के बारे में हम आपको एक बात बताएंगे कि मेडिकल की तैयारी वही बच्चे करते हैं आमतौर पर जो बायो में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ईमानदारी से बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था तब भी और अब मैं जब इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तब भी मुझे मेडिकल की तैयारी करने वाला एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसका बायोलॉजी खराब हो। मतलब ऑलमोस्ट बच्चों की एक भी बच्चा, मतलब नॉट ए सिंगल स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला जिसका बायोलॉजी वीक हो। ज्यादातर मेडिकल बच्चों की मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों की समस्या है फिजिक्स जी और केमिस्ट्री। फिजिक्स में चूंकि न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री होती है थोड़ी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से गाइड कर दीजिए और बायो तो अच्छा होना ही चाहिए, स्वाभाविक है क्योंकि मेन स्ट्रीम है। अगर आप बात कीजिएगा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तो अंतर क्या है, अंतर है बायोलॉजी और मैथ्स का। तो बायोलॉजी तो अच्छी होनी ही चाहिए लेकिन अगर उनको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गाइड कर दिया जाए, रटवाने का प्रयास ना किया जाए, रादर उनको समझा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मतलब अच्छा कर दिया जाए तो आप मेडिकल भी इजीली कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि बायोलॉजी ऑटोमेटिक जो है अच्छी होती है। सर कोचिंग की बातें हो रही थी लेकिन सर स्कूल और की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई की में क्या अंतर होता है, आप कैसे तुलना कर पाते हैं दोनों चीजों की। देखिए स्कूल एक फॉर्मल सिस्टम है और कोचिंग जो है एक इनफॉर्मल सिस्टम। जी सच्चाई तो ये है कि स्कूल के बाद कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या कोचिंग के बाद स्कूल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी है जहां पर दोनों चीजों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है बच्चों को और इस वजह से कई बार समय अभाव भी होता है जी। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा कि स्कूल्स में ही इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाए कि कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े जी। मतलब स्कूल्स में ही अच्छी पढ़ाई हो जाए कि कोचिंग की जरूरत ना पड़े लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम्स जो है मुझे लगता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो फेस करते ही रहते हैं। लेकिन सर मतलब कोचिंग की बात हो गई, स्कूलिंग की बात हो गई, रेसिडेंशियल पे थोड़ी बहुत हम बातचीत क्यों ना कर ले क्योंकि आप सुपर 30 के स्टूडेंट रह चुके हैं और साथ में आपने ये भी कहा कि आप एक माहौल में आप सब रहते भी थे पढ़ते भी थे। तो सर रेसिडेंशियल प्रोग्राम कैसे अंतर ला सकता है और बच्चों के करियर में मतलब कैसे हेल्पफुल होता है। देखिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि वहाँ पर अगर आपको अच्छे बच्चों का ग्रुप मिल जाए जी। देखिए बेसिक अंतर समझिएगा,
एक बच्चा अगर किसी स्टडी सेंटर में रह के, हॉस्टल में रह के, जहाँ पर अच्छी माहौल हो, अच्छा पढ़ाई हो, उस माहौल में रह के पढ़ता हो जी, और एक बच्चा जो घर पे रह के पढ़ता हो जी, तो देखिए घर पे कितना भी कम डिस्टर्बेंस आप कर लीजिए जी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। हमारे अभियानंद सर कहते हैं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो वास्तव में घर पे रह के वो 2 ही सब्जेक्ट की तैयारी हो पाती है जी। तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बाकी सारे डेविएशन से वो दूर करता है और फोकस्ड होके आप अच्छे पढ़ाई कर पाते हैं जी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ग्रुप अच्छा मिले, अगर अच्छे बच्चों का ग्रुप मिले और गाइडेंस मिले, जैसे हमारे यहाँ भी एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और काफी बड़ा रेसिडेंशियल प्रोग्राम है हमारा जी। और उसमें हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि टीचर्स भी उस हॉस्टल में रहते हैं जी। तो अगर आप 24/7 सुपरविजन में रहते हैं जी। और फोकस्ड रहते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो अंतर आएगा। आप इसको मैं ऐसे भी बात करूंगा, जैसे हम लोग 30 में थे तो सर का, अभियानंद सर का बहुत फोकस होता था टेस्ट दिलवाने पे जी। कई बार तो उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट देने की इतनी आदत हो जानी चाहिए कि रात के 12 बजे भी अगर आपको उठा के कहा जाए टेस्ट देना है, आईआईटी का परीक्षा देनी है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो ये कार्यक्रम जो है ये घर रहते हुए नहीं हो पाएगा, रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हो पाएगा। हाँ, घर रहने का एक अलग फायदा है, आपको घर का खाना मिलता है जी। तो जो पटना के बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये भी फैसिलिटी देते हैं जी। कि वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जी। हमारे कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कर लें, सुबह घर से नाश्ता करके चले आएं, लंच लेके चले आएं और सीधे रात के 8 बजे ही वापस घर जाएं, जिससे कि उनको दोनों फायदा हो जाएगा। एक तरह से वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का जो पढ़ाई है वो जाएगा और घर का खाना वगैरह भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे जो बाहर से आते हैं उनके लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम अगर रहे, टीचर का गाइडेंस रहे, तो डेफिनेटली फायदेमंद होता है। सर तो आपने मतलब हमने रेसिडेंशियल प्रोग्राम की बात की, तो सर तपस्या किस इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? डेफिनेटली तपस्या इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब शायद हमारा जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो पटना का जो बेस्ट और रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, रहने की जो सुविधा होगी वो बहुत अच्छी होगी, प्लस खाना खाने के बाद होता है तो वही खाना होता है जो खाना मैं खाता हूँ, तो इस तरह की फैसिलिटी जी। तपस्या में ये है कि अगर आप घर का खाना मतलब घर के खाने के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि तपस्या है ना, वहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। रेसिडेंशियल प्रोग्राम जैसा कि सर ने कहा कि उस पर काफ़ी उस चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि आप पढ़ाई भी करें, घर का स्वाद भी चखें और साथ साथ मतलब जो है पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस हो। लेकिन सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण समावेश से आते हैं, लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो उनके लिए कैसे मतलब क्या फोकस होता है, उनके लिए किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है? देखिए बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको थोड़ा दिक्कत तो होता ही है जी, खास करके लैंग्वेज को लेके जी। जिन्होंने कभी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की, जो बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते आए हैं, तो और प्लस आजकल परीक्षा भी ऑनलाइन हो गई है जी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जी, कि भाई जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं, कभी देखा नहीं, उनको दिक्कत आती है। लेकिन देखिए समस्या तो हर तरह की है, समस्या हमारे लाइफ में हर कदम पे होती है। आज हम लोग आईआईटी से पढ़ चुके हैं तो भी हमारे लाइफ में समस्या आती है, आपकी लाइफ में भी होती होंगी जी। हमें ये सोचना चाहिए कि उन समस्याओं का निराकरण कैसे करना है जी। एक बच्चा मैं बताऊंगा आपको, 2016 में आईआईटी में सिलेक्ट हुआ था, राहुल कुमार नाम था उसका, मुजफ्फरपुर के पास उसका गाँव था और वो हिंदी मीडियम का बच्चा था और शुरू में जब आया था तो ऐसे पूछा था सर ये क्या लिखा हुआ थोड़ा बता दीजिए। लेकिन अगर लगन हो, मेरा कहना है कि कोई भी लैंग्वेज इतना टफ नहीं है, जैसे इंग्लिश भी इतना टफ नहीं है कि अगर 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दिया जाए 2-2 घंटा तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाता है ताकि वो सारी बातें समझ सके। डेफिनेटली वो फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा लेकिन वो इंग्लिश में लिखी गई बातें तो सीख ही लेगा। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाने का भी सिस्टम है, या किसी भी कोचिंग में पटना में अगर देखिएगा या स्कूल में भी देखिएगा, तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली हम लोग अंग्रेज हो गए जी। बिल्कुल जो कंटेंट है, जो किताबें हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है इंग्लिश में है लेकिन जो समझाने का तरीका होता है वो डेफिनेटली हिंदी जी, होगा बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चा थोड़ा सा तत्पर होकर काम करे और उससे जूझने का प्रयास करे तो वो दूर कर सकता है। रही बात ऑनलाइन एग्जाम की, तो बच्चों के पास 1 साल या 2 साल का समय है। अगर वो 2 साल भी कंप्यूटर पे 1 साल भी टेस्ट देने का रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, अंग्रेजी में आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट? तो जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन एग्जाम देने का और अंग्रेजी भाषा का, हम लोगों ने अपने लिए ये भी किया है कि जो साइंस के बहुत सारे टर्म्स होते हैं जी, उनका इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश हमने एक अपना एक बना रखा है जो हम बच्चों को शुरू में दे देते हैं जिससे उनको काफी मदद मिलती है। तो अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑनलाइन वाला परीक्षा का समस्या भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ लैंग्वेज से जूझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप ये नहीं कह सकते हमको नहीं आता है। If there is a problem, you got to find a solution. You cannot change that particular system. आप उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग आपको करनी तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। तो सीखना है तो सीखना है, और बेहतर है कि 11th में सीखें। जी।
सीखना है तो सीखना है, मतलब अगर आपके अंदर हौसला है, बुलंदी है कि आप मतलब इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो थोड़ी बहुत समस्या तो हर जगह आती है, लेकिन सीखना वो आपके हाथ में है, जैसा कि सर ने बताया। लेकिन सर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दिमाग से काफ़ी मजबूत होते हैं लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होते, तो उनके लिए तपस्या क्या करता है, उनके लिए कुछ? देखिए, हम लोग हर साल ये प्रयास करते हैं। हम लोग पहले टैलेंट सर्च एग्जाम करते थे, करते हैं अभी भी, और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 10 बच्चों को ऑफर किया था ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 20 लड़कियों को ऑफर किया था ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरा अपना मानना है कि बिहार में अभी तक वो समस्या है कि लोग अगर एक ही ऑप्शन हो कि बेटा को पढ़ा सकते हैं या बेटी को पढ़ा सकते हैं, तो फिर बेटे को ही पढ़ाते हैं। तो उस समस्या के लिए भी हम लोगों ने 20 लड़कियों को और 10 लड़कों को लास्ट ईयर फ्री ऑफ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाने की सुविधा दी थी। इनफैक्ट जब आपको पता होगा, जब उरी का हमला हुआ था तो गया के एक शहीद हुए थे एसके विद्यार्थी जी, उनकी बेटी ने न्यूज चैनल पे, किसी न्यूज चैनल पे आईटीएन बनने की सपना प्रदर्शित किया था, और मैंने उसी दिन जाके उसको ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ 10th पास करके आइए, 2 साल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने की सुविधा के साथ पढ़ाई देंगे। तो जो बच्चे मेधावी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आए, अगर मैं उनका टेस्ट लेता हूँ, एक इंटरव्यू लेता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि उनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता हूँ और अपनी तरफ से जो सुविधा उनको हो सकती है वो देने की कोशिश कर सकता हूँ। मतलब शाहरुख ने भी एक फिल्म में कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा आपके दिल से हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है, और यहाँ पे सर ने भी उनकी इच्छा को पूरा करने का पूरा काम किया है। सर ने भी बताया है कि तो आपने सर सुपर 30 का भी जिक्र किया था, तो सर मतलब कुछ स्पेशल टिप्स वगैरह कुछ देना चाहते हैं आप उन बच्चों को जो मेडिकल और IIT की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल? क्योंकि सर आप मोटिवेशनल भी चीजें हमने सुना है कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते तो हैं लेकिन साथ साथ मोटिवेशन भी देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं। देखिए, मोटिवेशन का जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मोटिवेशन अगर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि सपने, डॉक्टर कलाम ने कहा था 2 बातें, एक कहा था कि सपने बड़े होने चाहिए, छोटे सपने रखना तो अपराध है जी। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं जी। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते जी। तो अगर कोई ऐसा सपना है जो आपको सोने नहीं देता है तो आप डेफिनेटली उसके लिए तत्पर होकर काम करेंगे जी। और अगर आप काम करेंगे, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे, देखिए किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, सिलेबस आपके सामने है, आप उन सारी चीजों को पढ़ लीजिए और उसमें जो भी समस्याएं आए अगर टीचर से डिस्कस करते रहिए। टीचर से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे संकोच करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। अगर आप टीचर से बिल्कुल फ्रैंक होकर एक्सट्रोवर्ट बनके बात करते रहें और अपनी समस्याएं शेयर करते रहें तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो सर ने मतलब जानकारी दी है हमें, और साथ साथ मतलब सर से ये भी जाते जाते एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर सर मतलब कोई अगर आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, पढ़ने की इच्छा रखता है तो क्या करें? देखिए, उसके लिए हमारा बोरिंग रोड में सेंटर है, वहाँ विजिट कर सकता है जी। हमारा वेबसाइट है www.itstapasya.com, उसको विजिट कर सकता है। हमारा फेसबुक पेज भी ITS तपस्या के नाम से, वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। और सबसे बेहतर तो होगा कि हमारे इन सभी जगहों पे हमारा टेलीफोन नंबर भी होगा, वहाँ से बात कर सकता है। जब भी हमारे पास वो आएगा, उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो मेरे पास भी आ सकता है कभी मिलने के लिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं जी। तो आज गुरु संवाद में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर, धन्यवाद।